राजेश वेदी प्रेजेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ना जिस दिन से यहाँ आने की प्लानिंग कर रहा था तो मैं उसी दिन से अपने आप को बड़ा भरा भरा बड़ा एंडिस्ट महसूस कर रहा था। वो शायद इसलिए कि मैं दोबारा उस सरजमीन पे जा रहा हूँ जहाँ से जगजीत सिंह पैदा हुए हैं। तो आई एम डैम फैन ऑफ दैट पर्सन। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्री गंगानगर सृजना इंदर और अरुण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा। जी स्वागत। एक राजा थे, उनका एक करिंदा गया एक सजिंदे के पास। वो सरंगी बजाता था, कहता आपको राजा ने बुलाया है। उनके दरबार में आके वो सरंगी बजाइए, वो सुनना चाहते हैं। तो सजिंदा कहने लगा कि आपके राजा को सरंगी सुननी आती है। बहुत अच्छे, वाह क्या बात। कहता सुननी आती है क्या मतलब, बजानी तो ये पूछते हैं बजानी आती है, सुननी आने का क्या मतलब। कहते जहां जिस कमरे में मैं सरंगी बजाऊंगा वहां थोड़ी सी रेत रख देना, मैं सरंगी बजाऊंगा और अगर राजा को उस रेत में सस्सी के जलते हुए पैर नजर आए तो मैं समझूंगा उसको सरंगी सुननी आती है। और मैं समझता हूँ आप सब लोगों को सरंगी सुननी आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी बात शुरू कर रहा हूं। एक मतला दो चार शेर हैं गजल के, जो के सृजना की नजर है, आप सब लोगों की नजर है। कि इन चिरागों ने उजाला सा बना रखा है। इन चिरागों ने उजाला सा बना रखा है। इन चिरागों ने उजाला सा बना रखा है। चलो छोटा सही सूरज तो उगा रखा है। चलो छोटा सही सूरज तो उगा रखा है। मेरे दोस्त प्रेम भटनारी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। इन चिरागों ने उजाला सा बना रखा है। चलो छोटा सही सूरज तो उगा रखा है। हाथ छोटे हैं मगर ख्वाब बड़े ऊंचे हैं। हाथ छोटे हैं मगर ख्वाब बड़े ऊंचे हैं। हमने भी पांव की एड़ी को उठा रखा है। हमने भी पांव की एड़ी को उठा रखा है। हाथ छोटे हैं मगर ख्वाब बड़े ऊंचे हैं। हमने भी पांव की एड़ी को उठा रखा है। और सुबह आई है पलट कर उसी बच्चे के लिए। सुबह आई है पलट कर उसी बच्चे के लिए। सुबह आई है पलट कर उसी बच्चे के लिए जिसने तकिए के तले गेंद छुपा रखा है। तकिए के तले, बहुत शुक्रिया। गेंद छुपा। सुबह आई है पलट कर उसी बच्चे के लिए जिसने तकिए के तले गेंद छुपा रखा है। और एक शेर और सुनिए के, मैं अंधेरों का तरफदार नहीं हूँ लेकिन। मैं अंधेरों का तरफदार नहीं हूँ लेकिन। मैं अंधेरों का तरफदार नहीं हूँ लेकिन कुछ उजालों ने भी कोहराम मचा रखा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुछ उजालों ने भी कोहराम मचा रखा है। मैं अंधेरों का तरफदार नहीं हूँ लेकिन। बहुत ही बढ़िया। कुछ उजालों ने भी कोहराम मचा रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सियासत, वाह। मैं अंधेरों का तरफदार नहीं हूँ लेकिन कुछ उजालों ने भी कोहराम मचा रखा है। ऐसे आसत कहीं कुछ छोड़ भी दे जीने को। आय है, क्या बात है। ऐसे आसत कहीं कुछ छोड़ भी दे जीने को। वाह। ऐसे आसत कहीं कुछ छोड़ भी दे जीने को, तुमने तो मजहब को बाजार बना रखा है। आय है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमने तो मजहब को बाजार बना रखा है। तूने मजहब को भी बाजार बना रखा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और एकदम से मैं जैसे अरुण जी ने मिजाज बदल रहा था, मैं वैसा तो नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा मिजाज बदल रहा हूँ। जी स्वागत। कि गलती देखिए, गुस्ताखी तो कुछ उसी तरह की होती है, तो मगर मैंने फिर भी अपना बचाव कर लिया है। कि हवा ने छेड़ छेड़ कर
हवा ने छेड़ छेड़ कर उड़ा दिया है शॉल भी। हाय हाय क्या बात है, नाजुक बात, वाह। हवा ने छेड़ छेड़ कर उड़ा दिया है शॉल भी, शॉल भी बदन समेटते हुए बिखर गए हैं बाल भी। हवा ने छेड़ छेड़ कर उड़ा दिया है शॉल भी, बदन समेटते हुए बिखर गए हैं बाल भी। और ये शेर जिसके लिए मैंने मतला कहना पड़ा मुझे जी, स्वागत है। कि कहीं पे फूल गिर गया, कहीं कली चटक गई, कहीं पे फूल गिर गया, कहीं कली चटक गई। ज्ञान जी शेर सुनिए जी, बिल्कुल। कहीं पे फूल गिर गया, कहीं कली चटक, कहीं कली चटक गई, बस एक पल में कैद है, बस एक पल में कैद है फिराक भी विशाल भी। बस एक पल में कैद है, कहीं पे फूल गिर गया, कहीं पे फूल गिर गया, कहीं कली चटक गई, बस एक पल में कैद है फिराक भी विशाल भी। और मिजाज शायरी किया जो मरसिया से इश्क किया, क्या बात है। मिजाज शायरी किया जो मरसिया से इश्क किया, मेरी गजल में आ गए हैं ढोल भी धमाल भी। मेरी गजल में आ गए हैं ढोल भी धमाल।